हाय फ्रेंड्स, आपके लिए लेके आया हूँ ब्रेकिंग न्यूज की जेई मेन और जेई एडवांस 2020 की कब परीक्षाएं होगी। आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लॉकडाउन 2.0 चल रहा है और हो सकता है आगे ये लॉकडाउन और बढ़ जाए, तो आप लोगों को जिज्ञासा हो रहा होगा कि जेई मेन और जेई एडवांस का कब परीक्षाएं होगी, कब एग्जामिनेशन होगा, कब एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। तो दोस्तों, जेई चेयरमैन की जो इन्फॉर्मेशन आई है, जेईई के जो चेयरमैन है उनसे जो इन्फॉर्मेशन आई है वो क्या आई है और कब एग्जामिनेशन होगा, इस वीडियो को पूरा देखिए। छोटी सी वीडियो है और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए, देश के हित के लिए इसी चैनल से वीडियो आपको मिलता रहेगा। जेई मेन और जेई एडवांस 2020 की तारीख को लेकर अब आधिकारिक जानकारी आई है, यानी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आई है। तो क्या आई है ये वीडियो को देखिए। साथ ही ये बताया गया है कि इस बार IIT व NIT में जो एकेडमिक सेशन का प्लान है वो चेंज हुआ है। तो दोस्तों देखिए क्या चेंजेस हुई है IIT और NIT में। तो दोस्तों जेई मेन जो है, जेई मेन और जेई एडवांस का जो एग्जाम डेट है, लॉकडाउन के बीच ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर जरूरी जानकारी सामने आई है। ये जानकारी खुद जेईई एडवांस के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन ने दी है। खबर जेई मेन 2020 और जेई एडवांस 2020 की तारीखों को लेकर है। जेई एडवांस के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन सिद्धार्थ पांडे जी, सिद्धार्थ पांडे जी कौन से हैं, चेयरमैन है जेई मेन का और जेई एडवांस का एग्जामिनेशंस के। तो पांडे जी ने बताया कि इन दोनों परीक्षाओं का आयोजन किन तारीखों में किया जा सकता है। इसके अलावा IITs और NITs में इस बार नया शैक्षणिक सत्र यानी एकेडमिक सेशन शुरू करने का प्लान है, इसकी भी जानकारी सामने आई है कि क्या प्लान है न्यू एकेडमिक सेशन का। जेई एडवांस 2020 के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन सिद्धार्थ पांडे ने एजुकेशन टाइम से बात में कहा कि JEE एडवांस के आयोजन के लिए जेई मेन के बाद करीब 2 से 3 सप्ताह का समय जरूरी होता है, इसलिए हम जेई मेन की तारीखों के आधार पर जेई एडवांस का तारीख निर्धारित कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 20 से 22 जून के बीच जेई मेन 2020 का आयोजन करने की कोशिश चल रही है। तब दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, गौर फरमाने वाली बात है कि 20 से 22 जून के बीच जेई मेन 2020 का आयोजन कराने की कोशिश चल रही है। तो जब जेई मेन का एग्जाम होगा तो देश के सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे, चाहे कोई सा भी, जामिया को हो, BHE को हो, DU को हो, JNU को हो, जो भी एग्जामिनेशन होने हैं वो होंगे। 20 से 22 जून के बीच जेई मेन का आयोजन करने की कोशिश चल रही है। इसके बाद 12 जुलाई को जेई एडवांस का भी आयोजन किया जा सकता है, हालांकि अब ये संभावित तारीखें हैं, हालात के मद्देनजर इसमें बदलाव संभव है। IIT NIT में नया सेशन कब से, सिद्धार्थ पांडे ने IIT वो NIT के नए सेशन की भी जानकारी दी हूं। उनके अनुसार इस बार सभी IITs और NITs में नया एकेडमिक सेशन सितंबर से शुरू होगा, यानी जो कॉलेज खुलेगा NITs का, IITs का, वो सितंबर से शुरू होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा NIT वारंगल के NV रमन्ना राव से बातचीत हुई कि इन संस्थानों में विदेशी स्टूडेंट भी दाखिला लेते हैं, ऐसे स्टूडेंटों को संस्थान ज्वाइन करने से 1 महीना पहले भारत आने के लिए कहा गया है ताकि उन्हें पहले क्वारंटीन में रखा जाए। हालात सामान्य होने के बाद क्लासेस में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा। कैसी होगी काउंसिलिंग, तो काउंसिलिंग NV रमन्ना राव ने बताया कि इस बार सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड CSAB काउंसिलिंग प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव करने की तैयारी हो रही है। ऐसे काउंसिलिंग राउंड हटाए जा सकते हैं जिनमें स्टूडेंटों को सेंटर पर खुद डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाना पड़ता है। इसका विकल्प खोजा जा रहा है कि डॉक्यूमेंटेशन का ऑनलाइन वेरिफिकेशन कराया जा सके। इसके अलावा देर से सेशन शुरू होने की भरपाई शनिवार को एक्स्ट्रा क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस से की जाएगी। तो दोस्तों आपकी एकेडमिक सेशन है वो लॉस होने वाली नहीं है, और जेई मेन का जो एग्जामिनेशन का उम्मीद है कि 20 से 22 जून होगा, और जो एडवांस का होने वाला है, जेई मेन का एडवांस का, वो 12 जुलाई के आसपास होने वाला है, और न्यू सेशन जो IITs NITs खुलेंगे वो सितंबर से कराने की उम्मीद रखी जा रही है, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनको 1 महीना पहले बुलाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। हम है रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद दोस्तों।